हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज सावन का पहला सोमवार है और मेरा फास्ट है, तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, शिवालय, भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं। और आज यहाँ का मौसम जो है बहुत ठंडा है, बारिश हो रही है, तो देख ही सकते हैं आप हम लोगों को देख के कि मेरे को कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है। मैंने कोट पहना है। हाँ, इन्हें ज़्यादा ठंडा होता है। तो आपको दिखाते हैं व्यू और ले चलते हैं आपको भी मंदिर। आखिरकार हमने इतना बड़ा फील्ड क्रॉस कर ही लिया और मिट्टी हो रही है, बारिश की वजह से सारी मिट्टी गीली हो चुकी है और पैर धंस रहे हैं पहाड़ों का रास्ते को, और अब हमें इस रास्ते से जाना है। बिल्कुल आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम दिखाएंगे आपको। तो आइए हमारे साथ और रास्ता देखिए, इतना पतला रास्ता है और इतना जंगल के बीच में, चारों तरफ से देखो। बिल्कुल मौसम तो आज कतई जहर हो रहा है बिल्कुल। ये देखिए एवरीवन, जाइए भाभी आप पहले। बिल्कुल यहाँ ये रास्ता देखिए, आज हम दूसरे रास्ते से आए हैं। पहले हम इधर इस वाले रास्ते से आते थे, आज हम ये फील्ड के रास्ते दूसरे हैं। हाँ ये देखिए, ये रास्ता ये ऐसे और वो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वो उस रास्ते से आते, आज हम इस रास्ते से आए हैं। तो आप सबका भी फास्ट होगा आई थिंक, कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दूसरा गांव है, हमारे गांव से मतलब हमारे घर से दूसरे गांव के बीच में पड़ता है ये मंदिर। तो देखिए दूसरा गांव आ चुका है, कुछ कुछ घर दिख रहे होंगे आपको। हाँ मंदिर थोड़ा नीचे है, तो पता होगा ना भोलेनाथ के मंदिर डाउन में ही होता है, जहाँ पे पानी होता है, बहुत सारा गहरे होते हैं जहाँ। हाँ तो मतलब अभी मंदिर का बिल्कुल मंदिर नहीं दिख रहा है। ये देखो ये दूसरा गाँव आ चुका है और बारिश हो रही है ना, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भी होगा पक्का। शिवालय बहुत अच्छा लगता है, फास्ट के दिन मंदिर जाना मतलब बहुत अच्छा लगता है। और आज वहाँ भंडारा भी है। हाँ आज वहाँ पे भंडारा भी है मंदिर में, तो हम आपको शिवालय भी दिखाएंगे। के कुत्ते भौंकते हुए ऊपर, दो कुत्तों की लड़ाई हो रही है, ठंडा बहुत है लेकिन अब चलते पर चलते व्यू बहुत अच्छा है। आप पता है जब हम घर से निकले थे तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अब जो है मौसम खुलने लगा है, वो देखो अब मौसम अच्छा होने लगा है, मतलब कि बारिश बंद होने लगी है। अब हम मंदिर के बहुत समीप आ चुके हैं और मंदिर हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, आपको दिखाएंगे हम। आवाजें आती हुई मंदिर से, मतलब बहुत घना है ये, और चारों तरफ से काफल बुरांस, ये ऊपर से आता है, मतलब बुरांस और बाज के पेड़ देखिए, पेड़ के नीचे से जो पानी आता है ना, तो उसी से एक छोटा छोटा सा नाला टाइप का बन जाता है, ये वही ही है। ये हमारा छोटा सा लोकल पुल जिसमें हम चल रहे हैं अभी, ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है ना, यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है और जगह जगह से पानी निकल रहा है। ये देखिए यहाँ पर से, ये पेड़ के नीचे से जो पानी निकलता है वही है, हाँ वहाँ पे से भी निकल रहा है, और ये नीचे यहाँ पे से नीचे को जाते हुए ये सीधे ये पानी जो है ये मंदिर पे पहुँचता है। ये देखिए आपको मंदिर दिख रहा होगा और भजनों की आवाज आ रही है अभी वहाँ, ये है शिवालय पिछौड़े में भी दिख रही है। हाँ ये देखिए ये मंदिर यहाँ पे नीचे है, हम लोग अभी ऑन द वे है, हम पहुँचने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे जो है। आज हमने आपको बताया था ना कि भंडारा है, तो वहाँ पे मतलब ये देखिए, ओह माय गॉड,
ये देखिए ऊपर से व्यू। तो हम आपको नीचे जाके ही दिखाते हैं, चलिए। यहाँ से दिख रहा होगा आपको मंदिर। तो यहाँ पे देख रहे हैं मंदिर में भजन कीर्तन सब चलते हुए, औरतें अपने उत्तराखंडी परिधान में पिछौड़ा नथवत पहन के बिल्कुल। जय हो भोलेनाथ। नौले में से पानी भरते हुए। नौला भी कहाँ है, भर लिया क्या इतनी जल्दी? थाली वगैरह लेके अंदर पंडित जी को ही दे देंगे, क्योंकि अंदर पूजा हो रही है तो अभी यहाँ अंदर जाके पूजा करना पॉसिबल नहीं है, तो यहीं से गेट से ही अपना पंडित जी को दे देंगे। चाय बांटते हुए, और ये हमारी चाची लोग चाय की चुस्कियों का मजा लेते हुए, ये देखो चाय की चुस्कियों का मजा लेते हुए मजे मजे से वो लोग जाते हुए यहाँ से। हम लोग घर पे जा रहे हैं और अब बारिश होने लग गई है, छाता ओढ़ लिया, सब लोग जा रहे हैं मतलब घर को। और मेरी नमाज इतनी अच्छी है, छाता किले किले उड़ रही है, मुझे उड़ा भी नहीं दिया। अरे यार क्या जमाना आ गया, क्या जमाना आ गया। अब हम मंदिर से वो नीचे मंदिर मिस यू बोले जी मतलब। और जो ये रास्ता दिख रहा है ना आपको पतला सा, ये देवी मंदिर को जाता है, वहाँ हम कभी और जाएंगे। हाँ तो देखो कितने डाउन में मतलब कितने नीचे मंदिर है, क्योंकि बारिश हो रही है ना, मौसम फिर से खराब होने लग गया है। चलते हैं घर की ओर, भोलेनाथ को पानी चढ़ता है ना इसीलिए आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ आज यहाँ पे जो था मतलब कि भोलेनाथ की जो मूर्ति है उसकी स्थापना थी ना, इस वजह से वो फंका था मतलब स्थापना की भोलेनाथ की मूर्ति की, तो तब वो भोग वगैरह लगने वाला है। अभी मेरे को फिर बोलेंगे छाता नहीं उड़ा रही। नहीं अभी उड़ाई है, देख लो अभी उड़ा रखी है। अब मैं इतनी छोटी सी जान इतने बड़े इंसान को छाता कैसे उड़ाऊं ये बताओ। ऊपर को जाते वक्त इतनी चढ़ाई चढ़नी है, मेरे को अभी से थकान लगने लग गई। अब मतलब खड़ी चढ़ाई है तो थकान तो होगी ना हम लोगों को, डाउन में आते हुए तो पता भी नहीं लग रहा था हम कब मंदिर पहुंच गए, और अब जा रहे हैं वापस। बारिश जो है वो हल्की है लेकिन ऐसी बारिश में ज़्यादा भीगा जाता है, तो देख सांस भी फूल रही है, चढ़ाई भी है वो ऊपर जाना है। भी हम आ गए हैं दूसरे वाले रास्ते से, तो हम लोगों की हालत देखो, वो जो रास्ते को आपको पहले दिखा रहे थे ना अभी हम दूसरे वाले से आ रहे हैं हम। हाँ जो मतलब हमने सेकंड रास्ता बताया था, पीछे देखो हम कहाँ से, बहुत थकाई लग गई है हम लोगों को, ये रास्ता उस रास्ते से काफी लंबा है, तो अब हम सोच रहे हैं कि काश हम उसी रास्ते से आ गए होते। आज सेकेंड टाइम गई थी शायद मैं इस मंदिर में, सेकेंड या थर्ड टाइम। गाइस हम आ चुके हैं घर, बिकॉज फोन ऑफ होने की वजह से हम आपको लास्ट की वीडियो नहीं दे पाए थे, तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।